मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने संधि के बारे में लगातार बहुत कुछ जान चुके हो। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की थी, जिसमें स्वर संधि के भी आपने मुख्यतः पांच भेद देखे थे, व्यंजन संधि के भी जसत स्तुत्व स्तुत्व इस तरह के काफी भेद देखे थे। अब अपन जो विसर्ग संधि, जिसका कि मैंने लास्ट पिक जो भेजा था, वो आपके एक तो सत्व विसर्ग संधि देखा था, एक उत्व विसर्ग संधि देखा था। आज जो अपन देखने जा रहे हैं वो है विसर्ग, विसर्गस्य लोप, यानी विसर्ग का लोप। तो विसर्ग के लोप के कौन कौन से नियम हैं, फिलहाल मैंने शॉर्ट और स्वीट में कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं और कुछ नियम भी लिखे हैं। तो फिलहाल आपके इस स्टैंडर्ड के जैसे 6, 7, 8, 9 वाले बच्चे भी अगर इन नियमों को अच्छी तरह से जान लेते हैं तो फिलहाल पर्याप्त है। तो सबसे पहले मैंने नियम लिखा है कि विसर्ग से पहले आ हो और उसके पश्चात कोई भी स्वर या वर का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या वर अल्ला हो तो उस विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। फिलहाल जैसे अपने पास उदाहरण है बाला प्लस अत्र, तो प्लस के पहले अपने पास कौन है, विसर्ग, और विसर्ग से पहले अपने पास क्या है, आ। इन्होंने क्या कहा, विसर्ग से पहले आ होना चाहिए और विसर्ग के प्लस के बाद में कोई भी स्वर हो या फिर वर्ग का तीसरा चौथा या वर अल्ला हो तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बाला प्लस अत्र, तो प्लस के पहले विसर्ग से पहले अपने पास आ है और प्लस के बाद में ए जो एक स्वर की कैटेगरी में आता है, इसलिए यहाँ इस विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया। इसी प्रकार वृद्धा प्लस यांति, तो प्लस के पहले अपने पास विसर्ग और विसर्ग से पहले अपने पास क्या है और विसर्ग के बाद में अपने पास स्वर हो या तीसरा चौथा पांचवा या वर्ण हो तो अपने पास कौन है, इसलिए इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। दूसरा नियम, विसर्ग से पहले अकार हो या उसके बाद अ से भिन्न कोई भी स्वर हो, यानी प्लस के पहले तो अपने पास अ होना चाहिए और प्लस के बाद में अ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तो भी उस विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे अपने पास है अता प्लस ए, तो विसर्ग से पहले अपने पास अ है और प्लस के बाद में अ नहीं है ना, ए को छोड़कर दूसरा ए स्वर है, इसलिए इस विसर्ग का भी क्या हो गया, लोप हो गया। राम प्लस आगच्छति, तो विसर्ग से पहले अपने पास अ है परंतु प्लस के बाद में अ को छोड़कर दूसरा स्वर है, इसलिए इस विसर्ग का भी क्या हो गया, लोप हो गया। तीसरा नियम है कि प्लस से पहले अपने पास श है या एशा है ना, तो उस विसर्ग का भी क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। कब, जब प्लस के बाद में अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो चाहे व्यंजन, मतलब अपने पास प्लस से पहले चाहे श है चाहे एशा है और प्लस के बाद में अपने पास अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो या कोई भी व्यंजन हो तो उस विसर्ग का भी क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और सरल सी भाषा में ये कहूँ कि अपने पास प्लस से पहले श है या एश है तो उस विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसीलिए अपने पास क्या बना, एश प्लस इति तो क्या बन जाएगा, सॉरी स प्लस इति तो क्या बन जाएगा, स इति, एश प्लस विष्णु तो क्या बन जाएगा, एश विष्णु। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने विसर्ग लोप के बारे में कुछ मेन मेन जो नियम थे वो आपने जाने, और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल अभी अपने विसर्ग संधि या संधि का टॉपिक ही अब अपने पास क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब आप लोगों को क्या करना है, मिक्सअप में विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि सभी के मिक्सअप में एग्जाम्पल एक साथ आपको करीब 20 या 25 एग्जाम्पल लिखने हैं, फिर उसका अपने आप प्रैक्टिस से विच्छेद भी करना है और संधि का नाम भी लिखना है। इसी से आपको पता चलेगा कि हमें संधि कितनी समझ में आई, कितनी नहीं आई, कहाँ कौन सा नियम लागू हो रहा है, कहाँ कौन सा नियम लागू हो रहा है। जब ये हमें पता चल जाएगा तभी हमें ये समझ में आएगा कि मेरे को संधि कितनी समझ में आई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको संधि के बारे में किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो एनी डाउट आप मुझको इस नंबर पर कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय।